दोस्तों जी एस टी आर नाइन और नाइन सी फाइलिंग के लिए क्वेरीज आ रही हैं कि जी एस टी आर नाइन और नाइन सी किसे फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो उसी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे जी एस टी आर नाइन फाइलिंग के लिए आपको याद दिला दूँ ये नोटिफिकेशन इशू की गई थी पाँच जुलाई दो हज़ार बाईस को और इस नोटिफिकेशन में लिखा गया था इन एक्सरसाइज ऑफ पावर Conferred by first proviso to section 44, Commissioner on the recommendation of Council exempt the registered person whose aggregate turnover in financial year. इक्कीस बाईस इज़ अप टू टू करोड़ फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ द सेट फाइनेंशियल ईयर यानी कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा आपकी इक्कीस बाईस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिनका टर्न ओवर अप टू टू करोड़ है उन्हें जी एस टी आर नाइन की फ़ाइलिंग से एग्जम्प्ट कर दिया गया है यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एग्ज़म्प्ट वर्ड यूज़ किया गया है ऑप्शनल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है आपको सीधा सीधा एग्जम्प्ट कर दिया गया है जी एस टी आर नाइन फाइलिंग के लिए ठीक है तो वो चीज़ यहाँ से आपकी क्लियर हो गई है नाइन सी के लिए तो नाइन सी जो है अब वो आपकी रिकन्सीशन स्टेटमेंट है और वो किसे फाइल करनी है जिनका टर्न ओवर पाँच करोड़ से ज़्यादा है ठीक है तो अप टू फाइव करोड़ वालों को नाइन सी फाइलिंग से एग्जाम कर दिया गया है और उसे अब सेल्फ़ सर्टिफाई ही करना होता है तो वो चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी ही तो चलिए ये तो आपको नाइन जी एस नाइन से मुक्ति मिल गई है टू करोड़ वालों को लेकिन अगर आपका टर्न ओवर दो करोड़ से ज़्यादा है तो नाइन तो आपको फाइल करनी ही पड़ेगी नाइन सी में आपको एक्जम्पन मिल जाएगी अप टू फाइव करोड़ अगर आपका टर्न है तो अब हम बात करते हैं इसकी ड्यू डेट की इसकी ड्यू डेट है थर्टी दिसंबर ट्वेंटी यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक आपको अपनी 9 और नाइन सी की फ़ाइलिंग करनी है